आज हम लोग भगवद गीता समझने की योग्यता इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी को पता है कि ये मार्गशीर्ष का महीना है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का जयंती होता है, तो इस उपलक्ष में हम लोग भगवद गीता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसको कैसे समझा जाए इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे भक्त होते हैं जो नए होंगे, जिन्होंने भगवत गीता अभी तक छुआ नहीं होगा, उन्होंने टच नहीं किया होगा भगवत गीता को, तो वो सोच रहे होंगे ये बहुत अच्छा महीना है, अभी हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवत गीता को समझा कैसे जाए। उसके बाद और एक कैटेगरी के भक्त होते हैं जो लोग भगवत गीता जस्ट शुरू किए हैं लेकिन उनको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़े, दो चैप्टर तीन चैप्टर के बाद फिर गिव अप कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भगवत गीता पूरा एक बार पढ़ चुके होंगे लेकिन उन्होंने देखा होगा कि कर्म ज्ञान कहाँ कहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे अष्टांग योग बताया गया है, कहाँ पे ज्ञान योग बताया गया है, तो बहुत कंफ्यूजन है। और चाहे तो कर्म ज्ञान रहे, फिर अष्टांग योग रहे, जो भी चीजें रहती है, प्रभुपाद हमेशा उसके बीच में भक्ति योगी, उसका कंक्लूजन हमेशा भक्ति योगी निकालते हैं। तो हम लोग बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर समझा कैसे जाए भगवत गीता। बहुत सारे भक्त ऐसे भी है जिन्होंने पूरा भगवत गीता अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझ भी लिया है, लेकिन मन में फिर भी एक आशंका उत्पन्न होती है कि हम लोगों ने इतने अच्छे से भगवत गीता पढ़ा है, लगभग सब कुछ समझा है, फिर भी लेकिन वो भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है वो उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच रही है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होंगे, मतलब ये भगवान के दृष्टिकोण से नहीं होता है, ये हमारे भौतिक दृष्टिकोण से होती है, कि कुछ लोग अनपढ़ होते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं, तो सबके मन में यही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर भगवद गीता को समझा कैसे जाए। और भी हमारे बहुत सारे जो भक्ति के पुस्तक है उसको कैसे समझा जाए, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, तो ये जिज्ञासा हमारे मन में सबके मन में चलती रहती है कि आखिर समझा कैसे जाए भगवत गीता। चाहे हम लोग किसी स्टेज के भी हो, चाहे हम लोगों ने एक बार भगवत गीता पढ़ा है, एक बार कभी भी नहीं पढ़ा है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, या किसी को बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता है, तो किसी भी स्टेज के लोग हो, किसी भी मतलब आप क्रम में हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आज मुझे भगवत गीता पूरा समझना है, ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने आज ये टॉपिक चूज किया है चर्चा करने के लिए कि भगवत गीता को समझा कैसे जाए, भगवत गीता को समझने की योग्यता, ये हमारा आज का विषय है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैंने चैतन्य चरितामृत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जिसको हम लोग चर्चा का आज विषय बनाए हैं। सबको पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में जाते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, वहां पे वो अलग अलग जगह जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, अहोबलम जाते हैं, इसी तरह से जाते 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 वो श्रीरंगम में पहुंचते हैं। तो जब श्रीरंगम में पहुंचते हैं तो उस समय वहां पे चातुर्मास शुरू हो जाता है। तो पहले के सिस्टम में कैसा था कि जब भी चातुर्मास शुरू हो जाता था ना, लोग ट्रैवलिंग बंद कर देते थे, मतलब जो जहां पे है वहीं पे स्थित हो जाता था और फिर अपनी भक्ति साधना में ध्यान देते थे। बेसिकली वो बारिश का मौसम होता था तो ट्रैवलिंग में डिफिकल्टी होती थी, तो उस चीज को अपॉर्चुनिटी बना के भक्ति में और ज्यादा ध्यान देते थे।
ताकि भगवान की सेवा में ज्यादा ध्यान देते थे। इस तरह से उस डिफिकल्टी को वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते थे। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो जब वो श्रीरंगम पहुंचे तो उस समय चातुर्मास पड़ गया था, तो वो 4 महीने वहां पे रुके थे। तो उस समय उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की वहां पे। उन्होंने वेंकट भट्ट नाम के एक रंगनाथ जी के भक्त थे, उनसे बहुत सारी चर्चाएं की, और फिर लक्ष्मी जी की पूजा और राधा रानी की पूजा के बीच का डिफरेंस एक समझाया। फिर अल्टीमेटली दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई, और फिर वेंकट भट्ट के ही एक भतीजे थे जिनका नाम गोपाल भट्ट है। तो इस तरह से वो प्रसंग आगे बढ़ता है। उसी प्रसंग में एक्चुअली ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 9वें अध्याय में ये प्रसंग पूरी मतलब विस्तार से बताया गया है। लगभग श्लोक क्रमांक 93 से शुरू होता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, श्लोक क्रमांक 93, मतलब 93। तो जब चैतन्य महाप्रभु इसी तरह घूमते घूमते एक बार एक ब्राह्मण को देखते हैं, तो मैं थोड़ा क्या श्लोका भी पढ़ूंगा और उसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करेंगे। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, बहुत ही आसान सरल हिंदी है एक्चुअली, मतलब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको, मतलब बहुत ही मधुर और मीठा है ये सारे श्लोक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवत गीता को समझने की योग्यता क्या है। मतलब ये जो ब्राह्मण है ना, इनकी इनके एग्जाम्पल से, इनकी उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं आखिर हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो एक दिन इसी तरह चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, तो एक बार ऐसा ही होता है, सही क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता वर्तन। सही क्षेत्र ने मतलब श्रीरंग, श्रीरंग नाम के क्षेत्र में, श्रीरंग नाम के जगह में एक वैष्णव ब्राह्मण रहते थे। वो हर दिन मंदिर में आते थे और मंदिर में आके भगवत गीता का उच्चारण, मतलब भगवत गीता का पठन करते थे। हर एक भगवत, जैसे हम लोगों ने गीता जयंती में 700 श्लोक पढ़ा था एक साथ सब लोग भक्त मिलके, उसी तरह वो जो वैष्णव ब्राह्मण है जो श्रीरंगम में रहते थे, वो ये चीज हर दिन करते थे। तो उसके बाद अगला श्लोक क्या बोलता है इसमें, अष्ट अध्याय पढ़े आनंदिता वैसे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। अष्टादश अध्याय मतलब भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, भगवत गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय है। तो अष्टादश अध्याय पढ़े आनंदिता वैसे, मतलब वो ब्राह्मण हर दिन 18 अध्याय पढ़ते थे और बहुत ही आनंद में पढ़ते थे, लेकिन अशुद्ध पढ़े, उसमें उस श्लोक में लिखा है अशुद्ध पढ़े ना, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में ना थोड़े मिस्टेक हो जाते थे। अशुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहास से, आपको पता ही है, हमें दुनिया में पता है, अगर हम लोग छोटी सी कोई गलती करते हैं तो लोग उसकी निंदा करते हैं, लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। तो उसी तरह मतलब 500 साल में, 500 साल पहले भी ऐसा ही था, अगर वो इतना अच्छा भक्ति करते थे उसको नहीं देख पा रहे थे लोग, और वो भी ब्राह्मण ही थे, बाकी के लोग भी ब्राह्मण ही थे जो उपवास करते थे। तो लेकिन वो हमेशा ही लोग उपवास करते थे, लेकिन फिर भी हर दिन 18 अध्याय वो हमेशा पढ़ते थे। उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोलते हैं, केहा से केहा निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट है या गीता पढ़े आनंदित मने। बोल रहे कि कुछ लोग उनपे हंसते थे, कुछ लोग उनपे उनकी निंदा करते थे, फिर भी वो कभी जो जो लोग निंदा करते थे, जो लोग उनपे हंसते थे, उनपे कभी वो विचार ही नहीं करते थे, और
पूरी श्रद्धा और पूरी लगन के साथ हर दिन वो भगवत गीता पढ़ते ही थे। मतलब हर दिन मंदिर आएंगे, भगवत गीता पढ़ते थे। कुछ लोग आते जाते, जो ब्राह्मण लोग रहते थे, वो उनकी निंदा करते थे, उपहास करते थे, उनकी हंसी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, वो फिर भी पूरी लगन श्रद्धा के साथ हर दिन भगवत गीता का पठन करते थे। आगे बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी, पुलकश्रुकंपस्वेदा यावत पठन देखी आनंदित हैला महाप्रभुर मन। इस तरह से जब भगवत गीता वो ब्राह्मण पढ़ रहे थे तो उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। मतलब सारे अष्ट विकार आते थे और बहुत ही मतलब आनंद के साथ वो भगवत गीता पढ़ते थे। और ये देख के जब महाप्रभु ने ये चीज देखा तो उनको बहुत ही आनंद आया कि कोई इतनी लगन, इतनी श्रद्धा, इतनी विनम्रता, इतनी कृतज्ञता के साथ भगवत गीता कैसे पढ़ रहे। तो ये देख जब ये जब महाप्रभु देखे उस ब्राह्मण को तो उनको बहुत ही आनंद हुआ कि चलो भाई इतनी अच्छी से कोई भक्ति कर रहा है, बाकी के लोग निंदा कर रहे हैं, बाकी के लोग उपहास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे, इसके कारण से इतनी निंदा हो रही है। फिर भी उनकी श्रद्धा, उनकी लगन में कुछ भी कमी नहीं थी। ये देख के चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब आपको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा है। और भगवत गीता किसने बोला है? कृष्ण जी ने। तो अभी भगवत गीता की समझने की योग्यता श्री कृष्ण, जो उसके राइटर है, जो इसके स्पीकर है, उससे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है हम। तो अभी इसके जो समझने की योग्यता है वो हमें अभी प्रभुपाद जी बताएंगे, कृष्णदास गोस्वामी जी बताएंगे। तो इसके जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी सुंदर चीजें बताई है। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण का जो प्रोनाउंसिएशन था ना, उनका जो उच्चारण था वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो इलिटरेट थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे। तो ये प्रोनाउंसिएशन मतलब इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, श्रील प्रभुपाद जी का लीला है। जब प्रभुपाद को बहुत सक्सेस मिल गया था, बहुत ही सफलता मिल गई थी पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के बाद, तो वो सोचे कि अब जो हमने इतना प्रचार किया, इतना प्रसार किया भक्ति का, हमने इन पाश्चात्य देशों में बहुत सारे मंदिर खोल लिए हैं, बहुत सारे भक्त बन गए हैं, लेकिन अभी वही चीज, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे वही चीज अभी भारतीय लोगों को मिले, तो ये सोच के प्रभुपाद भारत आए और अपने साथ अपने बहुत सारे भक्तों को भी लेके आए। तो इस तरह से जब प्रभुपाद भारत आए, भक्तों को लेके आए, तो अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करते थे, मुंबई में करते थे, हैदराबाद में करते थे, कोलकाता में करते थे, गुजरात में करते थे। बहुत ही अच्छा उनको रिस्पॉन्स भी मिला, बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते थे, और ये भी बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि कैसे पाश्चात्य जगत के लोग इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवत गीता का पठन कर रहे हैं। तो जब भी प्रोग्राम होता था ना, तो प्रभुपाद क्या करते थे, स्टार्टिंग में भारतीय लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवत गीता ऐसे कुछ श्लोका का रिसाइटेशन रखते थे, तो पठन रखते थे, ताकि लोग उसको देख के थोड़ा अट्रैक्ट हो और उनको एक मतलब क्या बोलते हैं, उनको एक इनकरेजमेंट मिले, उनको एक इंस्पिरेशन मिले भक्ति करने के लिए। तो जब इस तरह से अलग अलग जगह पर प्रोग्राम हो रहा था तो बहुत लोग उसको बहुत अच्छा सराह रहे थे, उसको मतलब अच्छा बोल रहे थे उसके बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चीज के बारे में निंदा करते थे। तो एक बार इसी तरह एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिला, बोलता है कि प्रभुपाद जी आपके जो शिष्य हैं वो संस्कृत श्लोका पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो सही नहीं है। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते थे और उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, तो बोले कि उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है लेकिन उनका रिनाउंसिएशन सही है। तो इस तरह से बोले कि एक्चुअली यहाँ पे क्या बोलना चाहते थे प्रभुपाद, कि प्रोनाउंसिएशन हो गया, उच्चारण हो गया, ये एक्सटर्नल चीज है, ये भौतिक चीज है, हमें सही करना है प्रोनाउंसिएशन,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोनाउंसिएशन ही मेन थिंग है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बोले कि उनकी जो भावना है, उनकी जो भक्ति की भावना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस बात पे फोकस करना चाहते थे प्रभुपाद कि प्रोनाउंसिएशन मे बी रॉन्ग बट देयर रिनाउंसिएशन इज एब्सोल्युटली राइट, ऐसा बोलते थे प्रभुपाद जी। तो इसके बाद इसी इसी चीज में प्रभुपाद जी मतलब तात्पर्य में लिखते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज प्लीज्ड बाय डिवोशन नॉट बाय एरोडाइट स्कॉलरशिप। मतलब देखिए एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामचंद्र, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, ये बहुत ज्ञान से कभी भी खुश नहीं होते हैं हमारे। उनको प्लीज करना है तो हमारे अंदर की जो भावना होती है वो हमारे भावना से वो खुश होते हैं हम। मतलब हमें कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, हमें हमारे अंदर नम्रता की भावना होनी चाहिए, हमें पूरी लगन के साथ पढ़ना चाहिए, हमें पूरी श्रद्धा के साथ पढ़नी चाहिए, और हमें भगवान मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम है, उनको अच्छा लगेगा, गुरु की आज्ञा है, इस भावना से जब पढ़ेंगे तो भगवान को ये सब चीजें अच्छी लगती है। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस किया जा क्या जा रहा है कि उच्चारण सही रहे ना, सही है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन भावना सही होनी चाहिए, इस बारे में प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं यहाँ पे। और भगवान देखते हैं कि आपको पता भी है भगवान भावग्राही है, तो अगर भाव अच्छा है हमारा, हमारा भक्ति अच्छा है, तो भगवान जरूर हमसे प्रसन्न होंगे। इसमें प्रभुपाद जी एक्चुअली फिर बाद में इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे कोट करते हैं, एक दो श्लोका है जो कोट करते हैं प्रभुपाद जी, कि श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में 5वें अध्याय में आता है, जिसमें नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्ट करते हैं, व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि एक्चुअली आपके मन में जो असंतुष्टि है, एक्चुअली आपको पता होगा व्यासदेव जी सारे वेद लिख चुके होते हैं, सारे पुराण लिख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक असंतुष्टि रहती है। तो ये असंतुष्टि उनके उनके उनको जिज्ञासा होती है कि आखिर मैंने इतना कुछ किया, इतना सारे वेद लिख दिए, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे वेद लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं है। तो यही सब जब उनके मन में चल रहा था, उनको ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, तब वहां पे नारद मुनि आते हैं। और नारद मुनि बोलते हैं, आपने जो इतना अलग अलग जो चीजें लिखी है, ये सिर्फ लोगों को और ज्यादा भौतिकवादी बनाएगा। तो अगर ये और ज्यादा लोगों को भौतिकवादी बनाएगा तो अंदर का जो इनर सेटिस्फेक्शन है, आत्मसंतुष्टि, वो कहाँ से आने वाली। आत्मसंतुष्टि चाहिए तो आपको भगवान के बारे में ही लिखना चाहिए। तो इस चीज को बताते समय नारद जी दो श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 5वें अध्याय और 10वां श्लोक है। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत् पवित्रम् प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम् सन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्य शिक्षणा। इसमें दो चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया गया इस श्लोक में। एक बोला गया है जो भौतिकवादी लोग हैं और एक जो है आध्यात्मिकवादी लोग हैं, परमहंस लोग हैं। तो भौतिकवादी को प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं कौवों के साथ, कौवा जो होते हैं ना क्रूज, उसके साथ। और परमहंस और भक्तिवादी लोग भक्त को, भक्त का कंपेरिजन करते हैं वो हंस के साथ। तो वो आप जैसे ध्यान देंगे कभी भी, जो क्रोज होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो हमेशा गंदगी के गंदे जगह पे हमेशा दिखे जाएंगे। मतलब कचड़े रहेंगे, कहीं ने तो कोई मरा हुआ जानवर रहेगा, उधर ही वो रहेंगे। और आप देखेंगे कभी भी हंस, वो एकदम ग्रीनरी, नेचुरल प्लेस, साफ सुथरा जो पानी का लेक होता है वहां पे देखा जाता है। तो इन क्रोज को कंपैरिजन, कौवों को कंपैरिजन किया गया है भौतिकवादों के लोगों के साथ, और जो भक्तों का कंपैरिजन किया गया है वो हम्स के साथ। और
जो ये जो फिल्दी चीज है, जो गंदी चीज है, उनको भौतिकवादी जो पुस्तकें हैं उनका कंपैरिजन किया गया है गंदे चीजों से, और जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी है उसका कंपैरिजन किया है भगवान की पुस्तकों से, जैसे भगवद गीता हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया। बोले कि जो परमहंस लोग रहते हैं, जो भक्त लोग रहते हैं, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जो संबंधित पुस्तकें रहते हैं ना उस पे ही ध्यान आकर्षित करते हैं, और जो बाकी जहाँ पे भौतिकवादी पुस्तकें हैं ना वो उनको बोलते हैं कौवों का तीर्थ स्थान के जैसा उसको माना गया है, इस श्लोक में ऐसा क्लियरली लिखा गया। तो फिर उसके बाद अगला श्लोक हमें बताते हैं कि नारद मुनि जी, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकमबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। अभी ये श्लोक में बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया जाता है। बोलते हैं अभी जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो परमहंस लोग हैं, वो हमेशा भगवान कृष्ण के पुस्तकों पे अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं, उसके बारे में किसी को बताना चाहते हैं। लेकिन इस श्लोक में क्या बोला गया है कि ऐसे जो पुस्तक है उसमें अगर कुछ कंपोजिशनल मिस्टेक भी है, मतलब उसका रिदम अच्छा नहीं है, उसमें अंदर कुछ व्याकरण में मिस्टेक है, फिर भी ये जो साधु लोग रहते हैं, ये जो परमहंस लोग रहते हैं, ये जो भक्त लोग रहते हैं, एस ऑल दो उसमें मिस्टेक्स रहते हैं, ऑल दो उसमें कुछ खामियां रहती है, फिर भी ऐसे ही पुस्तकों को वो पढ़ना चाहते हैं। और उसके उल्टा जो बहुत ही भौतिकवादी पुस्तक रहते हैं, पूरा परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट कंपोजिशन, परफेक्ट पोएम पोएट्री, फिर भी वो ऐसे पुस्तकों को वो क्रोज का तीर्थ स्थान ही समझते हैं, कौवों का तीर्थ स्थान ही समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो बोला गया है ना कि कंपोजिशन में कुछ मिस्टेक है, मतलब ये भागवतम का श्लोक है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवतम का श्लोक है, पहला स्कंद 5वां अध्याय और 11वां श्लोक है। इसमें बोला जाता है कि ऐसे मतलब जो खामियों वाली पुस्तक रहती है उसमें भी परमहंस लोग आनंद लेते हैं उसको पढ़ने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हम लोग कैसा कंपोजिशन करते हैं, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है भगवान के नजर में। तो क्या मैटर करता है? भावना मैटर करती है, भक्ति मैटर करती है भगवान के नजर में। अभी इसमें मतलब इसी श्लोक के में परपोट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इम्परफेक्टली कंपोज लिटरेचर अबाउट कृष्णा इज इंजॉयड और रोल रेलिस्ट बाय परमहंसास। इम्परफेक्टली मतलब ऐसे लिटरेचर होते हैं, ऐसे जो पुस्तक होते हैं जिसमें कुछ खामियां होती, फिर भी ऐसे पुस्तकों को भगवान और उनके भक्त ज्यादा रिलीज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ गलती होनी चाहिए, हमका हमारे प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक होनी चाहिए, लेकिन हमें सीख क्या लेना है कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी भावना कैसी, हमारी भावना भक्ति की है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी करेक्ट बट भावना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है चैतन्य महाप्रभु का, जो उनके गुरु के साथ होता है, ईश्वरपुरी जी के साथ। तो ईश्वरपुरी जब नवदीप आते हैं तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा करते हैं, और वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के गुणों को देखकर, उनके डीलिंग को देखकर। तो और ये ईश्वरपुरी को पता रहता है कि जो निमाय पंडित है ना, उस समय वो निमाय पंडित रहते, निमाय पंडित ही बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, इसने बहुत सारे लोगों को, दिग्गज लोगों को हराया हुआ है शास्त्र तर्क में। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं कि मैंने एक कुछ पुस्तक लिखी है भगवान के बारे में, क्या आप इसके ग्रामर को चेक कर सकते हैं क्या, और उसमें कुछ रहेगा तो आप हमें बताइए, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे ताकि इसमें कुछ जो गलतियां रहेंगी उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जैसे शुद्ध भक्त अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें गलती हो ही नहीं सकती। तो ईश्वर प्रभु फिर भी बोलते हैं कि चेक कीजिए। तो प्रभु फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आपकी आज्ञा है तो हम जरूर करेंगे इसको, हम लोग मैं चेक करता हूँ। तो फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो चेक करके अंडरलाइन करके लाते कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो ईश्वरपुरी बताते हैं कि आप जो मिस्टेक बोल रहे हैं ना, एक्चुअली ये मिस्टेक नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। फिर उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरह से वो मिस्टेक नहीं। तो चैतन्य निमाय पंडित जो आज बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को हरा दिए थे, वो ईश्वरपुरी के साथ बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करते। उनको पता है ये शुद्ध भक्त हैं, इन्होंने अच्छे भावना से लिखी हुई है, शुद्ध भावना से लिखी हुई है। तो देखिए मतलब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, उन्होंने इस एग्जाम्पल इस लीला के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, उच्चारण की जो गलतियां होती है, फिर जो कंपोजिशन मिस्टेक है, वो भगवान की नजर में मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? तो भावना, भक्ति की भावना। फिर एक सुंदर सी लीला है भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर के बारे में भी। तो मैंने सुना है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते थे कि बहुत सारी पुस्तकें लिखनी चाहिए, वो मंथली मैगजीन लिखवाते थे, कुछ तो नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कभी भी कोई बोलता था कि प्रभुपाद जी मैंने ये, प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उस समय प्रभुपाद बोलते थे सब लोग, उनके भक्त लोग, मैंने ये लिटरेचर लिखा है, ये कंपोजिशन लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा है भगवान के बारे में अगली बार के मासिक पत्रिका के लिए। तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे पहले क्या देखते थे कि उसमें कितनी बार कृष्णा शब्द यूज किया गया, कितनी बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया। अगर वो देखते थे कि बहुत ही कम कृष्णा शब्द यूज किया गया है या बहुत ही कम कृष्ण शब्द का उपयोग हुआ है, तो बोलते थे ये कंपोजिशन सही नहीं है, ये राइटिंग सही नहीं है, ये लेखन सही नहीं। तो ये हमारे जो आचार्यज हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका आविर्वाद तिरुभाव दिवस था 2 दिन पहले, उनसे हम ये सब सीख ले सकते हैं कि आखिर भगवद गीता को समझने की योग्यता क्या है। तो प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एग्जाम्पल से, चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से हम लोग सीख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो भावना, भक्ति की भावना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमें ये सुंदर सा लीला भी पता है कि भगवान कृष्ण भावना देखते हैं, वो भौतिक मतलब भौतिक उनका काम मतलब वो कभी नहीं ये नहीं देखते हैं कि भौतिक उसमें कितना ज्यादा ऑपुलेंस है, कितनी ज्यादा क्षमता है, मतलब भौतिक क्षमता को कभी भी काउंट नहीं करते। तो एक सुंदर सा ये भी पता है हम लोगों को, प्रसंग होती है जब दुर्योधन भगवान कृष्ण को 56 भोग के लिए बुलाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण 56 भोग उनके यहाँ छोड़ देते हैं और विदुर जी के यहाँ जाते हैं और वहां पे केले का छिलका खाते हैं, क्योंकि तो वो केले का छिलका विदुर जी की जो पत्नी होती है बहुत प्रेम से खिलाती। तो एक ऐसा सुंदर गीत भी आता है, वैष्णव गीत है, दुर्योधन का भोग ना खायो सूखो साग विदुर घर खायो। तो हम ये सब चीजों से सीख सकते हैं कि आखिर भगवद गीता समझने के लिए हमें कि क्या हमारे अंदर किस गुण को डेवलप करना पड़ेगा। फिर बाद में इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अगले श्लोक में, महाप्रभु पूछिला तारे सुन महाशय को नर्थ जानी तुम्हारा एत सुख होई। महाप्रभु बोल रहे पूछते हैं वो ब्राह्मण जी से कि आपको ऐसा कौन सा मीनिंग, ऐसा कौन सा मतलब भगवद गीता में समझ में आ गया है कि आपको इतना सुख मिल रहा है भगवद गीता पढ़ने के। तो फिर बाद में अगले श्लोक में बताया जाता है, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इस पूरे प्रसंग का, मतलब इस लीला में,
विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो यहाँ पे विप्र मतलब ब्राह्मण को विप्र बोला जाता है। तो ब्राह्मण बोलते हैं मैं एक बहुत ही मूर्ख इंसान हूँ और मुझे भगवद गीता में ये जो अलग अलग श्लोक है ना इसके शब्द के अर्थ बिल्कुल भी मालूम नहीं। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी। मैं कभी कभी कुछ श्लोक को सही पढ़ लेता हूँ, कुछ श्लोक को गलत पढ़ लेता हूँ। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी लेकिन क्यों पढ़ रहे? अगला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, गुरु आज्ञा मानी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो गुरु के आज्ञा मतलब अभी यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे अंदर कृष्ण के लिए बहुत ही प्रेम की भावना है, तो समझेगा कैसे कि भला हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम की भावना है कि नहीं? तो उसके लिए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो विप्र थे, ये जो ब्राह्मण थे, वो भले ही प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे थे, उच्चारण सही नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके गुरु ने आज्ञा दी थी कि आप हर दिन भगवद गीता का पठन कीजिए, और उस गुरु के आज्ञा को उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ लिया था। मतलब उनको भगवद गीता पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा है उनके लिए बिल्कुल भी वो मैटर नहीं करता। उनके लिए क्या मैटर करता था कि गुरु ने बोला है, मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि मुझे भगवद गीता पढ़ना है हर दिन, तो बस मुझे पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, गुरु आज्ञा मानी। मतलब वो भगवद गीता क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज को संतुष्ट करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही वो जो विप्र थे, ब्राह्मण थे, इलिटरेट थे, उनका उच्चारण सही नहीं था, फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित कर पाए। ये लीला का मतलब क्या है कि हमारा जो उच्चारण है वो सही रहे या ना रहे, अगर हम लोग गुरु के आज्ञा का पालन पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं तो भगवान हमसे जरूर ही संतुष्ट होंगे, इसका ये मतलब निकलता है। और आगे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये दिया गया, मतलब प्रभुपाद जी कोट करते हैं ये सब श्लोक का चैतन्य चरितामृत में। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो बोलते हैं कि कैसे लोगों को मतलब भगवद गीता बोले या कोई भी जो हमारे ग्रंथ है, जो भक्ति के जो ग्रंथ हैं, मतलब भगवद गीता हो गया, श्रीमद भागवतम हो गया, चैतन्य चरितामृत हो गया, ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो बोले कि अगर हमारे अंदर गुरु के लिए पूर्ण श्रद्धा है और उन्होंने जो बोला है उसको पूरी लगन से करते हैं, तो जो भगवद गीता और जो हमारे भक्ति के ग्रंथ है उसका जो ज्ञान है ना, खुद ब खुद भगवान उसको रिवील कर देंगे। तो ये है भगवद गीता को समझने का तरीका और ये है भगवद गीता समझने की योग्यता। फिर प्रभुपाद जी इसी में प्रपोर्ट में आगे लिखते हैं कि हमें भक्ति में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, मतलब गुरु महाराज, उनके ऊपर संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो हमें भक्ति में जरूर ही सफलता मिलेगी। अभी ये जो चीज है कि यहाँ पे बोलते हैं, इस श्लोक में लिखा गया है कि जब हमें भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो हृदय में दिव्य ज्ञान खुद ही प्रकाशित हो जाता है, खुद ही रिवील हो जाता है। तो ये गुरु जो हम गुरु पूजा करते हैं
हर दिन 7:30 के आसपास, 7:30 के आसपास, उसमें भी एक एक इस तरह का एक लाइन आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो हम लोग जब गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं पूरी श्रद्धा और लगन के साथ, तो जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान किसको बोलते हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, जो चैतन्य चरितामृत का ज्ञान है, और भी इस तरह के जो भी भक्ति के पुस्तक है, उसके जो ज्ञान है, इनको हम लोग दिव्य ज्ञान बोलते हैं। और ये गुरु के ऊपर श्रद्धा और उनकी सेवा से खुद ही खुद ब खुद प्रकाशित हो जाता है हमारे हृदय में, मतलब गुरु की कृपा से वो खुद ब खुद प्रकाशित हो जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी इसी में आगे, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे ब्राह्मण जी ये सब सारे, मतलब ब्राह्मण जी ये सब सारे श्लोक बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे बोले थे, विप्र के मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। नेक्स्ट बोलते हैं, अर्जुनेन रथे कृष्णा हयर जुधर, बसिया छे हाते तोत्र श्यामल सुंदर। तो आगे बोलते हैं वो ब्राह्मण कि अर्जुन का जो रथ है, भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को चला रहे, उसके ड्राइवर बने हुए, और ये जो सुंदर सा दृश्य है, भगवान का जो सुंदर चेहरा है, श्यामल सुंदर, इसमें श्यामल सुंदर लिखा हुआ है, वो देख के मुझे बहुत आनंद आता है। फिर आगे बोलते हैं, अर्जुनेरा कथिते छेना हिते उपदेश, तारे देखी है मोरा आनंदित आवेश। और ये जो सीन है कि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण को उपदेश, अर्जुन को उपदेश दे रहे, ये जो जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ ना, तो ये सीन मेरे दिमाग में आता है और मेरे मन में आता है, और ये जो सीन सोच के मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आगे बोलते हैं इसमें, यावत पढ़ो तावत पाइया तार दर्शन, एई लागी गीता पाठ ना छाड़े मोरा मन। इसमें आगे बता रहे हैं वो ब्राह्मण जी, बता रहे हैं कि जब जब मैं भगवत गीता इस तरह पठन करता हूँ, उस समय मुझे ये जो भगवान का जो सीन है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे, ये मेरे मन में, मतलब ये प्रकाशित हो जाता, मतलब ये, मतलब बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाता, तो उनके अंदर ये रिवील होता है, और ये देख के मेरे मन में बहुत ही आनंद होती है, और इसके कारण से मैं भगवत गीता पढ़ना कभी छोड़ ही नहीं पाता। तो देखिए उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको इतना आनंद मिल रहा है भगवत गीता पढ़ने में कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, लोग उनका उपहास कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवत गीता पढ़ने में इतना आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है कि वो बाहर की जो चीजें होती है उसका उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और बोल रहे हैं, देखिए श्लोक में ही बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, बता रहे कि ये सब इतनी डिफिकल्टीज से उनको, मतलब उनका ध्यान भी नहीं जाता है, और उनके दिमाग में हमेशा भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त अर्जुन को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, यही सीन उनके दिमाग में चलता है, और इसके कारण से उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, और इस कारण से वो भगवत गीता पढ़ना छोड़ ही नहीं पाते। फिर आगे बताते हैं इसमें, अभी देखिए यहाँ पे अभी चैतन्य महाप्रभु का आएंगे, ये बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हार अधिकार, तुम्हीं से जाना एई गीता अर्थ सार। प्रभु कहे, प्रभु कहे मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मतलब कौन, भगवत गीता को उपदेश माने उपदेश देने वाले श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं कि गीता पढ़े, गीता का पठन करने का जो सबसे मेन अधिकारी पर्सन है वो आप ही हो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कि आपको देखकर सबको समझना चाहिए कि भगवत गीता का पठन कैसा करना चाहिए। भगवत गीता समझना है, भगवत गीता का पठन करना है तो किस तरह से करना है, ये सबको, ये सब अगर उनको भगवत गीता पठन को समझना है तो आपका उदाहरण सबको देखना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं चेतन महाप्रभु यहाँ।
फिर से इसमें ऐसा लिखा गया कि अगर हमें गुरु और कृष्ण पे श्रील प्रभुपाद परपोट में बताते हैं, तात्पर्य में बताते हैं, अगर हमें गुरु और कृष्ण के ऊपर संपूर्ण और पूर्ण विश्वास है तो हम लोग भगवद गीता को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब भगवद गीता को समझने के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भावना चाहिए। भक्ति भावना चाहिए मतलब क्या, हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर भगवान के ऊपर प्रेम की भावना होनी चाहिए। ये जो भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज है वो हमें डेवलप करना चाहिए, और गुरु और भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। अभी इससे रिलेटेड मैंने सुना है ऐसा कि भगवत गीता पे बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी चलते हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, उधर भी रिसर्च चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसा मतलब ग्रेट स्कॉलर, मतलब वर्ल्ड के बड़े बड़े स्कॉलर ऐसा बैठते हैं साथ में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो अभी अभी स्कॉलरशिप अगर ज्ञान की बात करें तो उनसे ज्यादा ज्ञान तो हमें तो नहीं है, मुझे तो नहीं है, लेकिन बाद में वो लोग भगवत गीता पे पूरा रिसर्च करने के बाद उनका कंक्लूजन क्या निकलता है बाद में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो इतने ज्ञानी लोग रहते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, स्कॉलर्स हैं वो, अगर स्कॉलरशिप के बारे में बात किया जाए तो उनके आगे हम लोग कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतना डिस्कशन करने के बाद, इतना उनका रिसर्च होने के बाद उनका कंक्लूजन क्या रहता है, ये भगवान श्री कृष्ण है ना, वो एक का मतलब ऐसा तथा कथित इंसान है, मतलब वो ऐसा कोई मतलब एक्चुअल में वो भगवान थे ही नहीं, ऐसा कोई इंसान था ही नहीं, मतलब इंसान नहीं बोलना चाहिए, भगवान था ही नहीं। तो उनको वो भगवद गीता पे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा एक दिन नहीं सालों साल रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भगवान कृष्ण नाम का व्यक्ति नहीं था, ये सब हाइपोथेटिकल है, लोग का बना बनाया हुआ है। तो अभी इनका भावना क्या है, इनका वो बहुत स्कॉलर लोग है, बहुत ज्ञानी लोग है, जीरो है पूरा। इसके कारण वो भगवत गीता के एक एक श्लोक हर एक शब्द पे रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन उसका जो मेन इम्पोर्ट है, मेन जो उसका तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं और हम सब उनके दास हैं, ये चीज उसमें उनको थोड़ा भी श्रद्धा नहीं, क्योंकि भगवत गीता का मेन मैसेज। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, भगवत गीता को समझने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भक्ति होनी चाहिए और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती है। तो प्रभुपाद जी ये सब चीजें परपोर्ट में भी बताते हैं, फिर आगे इसमें जाएंगे तो अभी आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं यहाँ, एता बलि सेई विप्रे कैलालिंगन प्रभु पाद धरि विप्र करे न रोदन। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आपके उदाहरण से सबको समझना चाहिए कि भगवत गीता को का पठन, भगवत गीता को अगर समझना है तो उसकी सही योग्यता क्या है, उसका सही तरीका क्या है। और जब ये बोल के उनको आलिंगन कर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को, और फिर ब्राह्मण भगवान के चरण कमल को छूते हैं, और फिर चरण कमल छूने के बाद वो रोने लगते हैं, मतलब वो उनको समझ में आता है कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही है। आगे देखिए इसमें पता चलेगा, अगले श्लोक में बोला जाता है, तोमा देखी ताहा है ते द्विगुण, तोमा देखी ताहा है ते द्विगुण सुख होय, से कृष्ण तुमी है ना मोरा मन लय। अभी देखिए, अभी ये जो अनपढ़ व्यक्ति है जो, इनको भी क्या बोल रहे हैं, देखिए इससे समझ में आता है, वो विप्र बोल रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को, आपको देख के मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आ रहा है, ऐसा मेरे मन में एक विचार आ रहा है, सही कृष्ण तुम्हीं, मतलब आप वही कृष्ण हो जो भगवान श्री अर्जुन को उपदेश दिए थे, हे ना मोरा मन लय, मतलब मेरे मन में ये विचार उठ रहा है,
तो देखिए, अभी एक अनपढ़ व्यक्ति है जो अपने गुरु के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रख के भगवद गीता पढ़ता है, और भगवान कृष्ण का जो मतलब भगवान कृष्ण आए उनको पहचान लिए। अभी हमें हमें सोचना चाहिए कि ज्ञान जरूरी है, स्कॉलरशिप स्कॉलर्स लोग की स्कॉलरशिप जरूरी है, बहुत इंटेलेक्ट की जरूरत है, या भक्ति भावना की जरूरत, गुरु के ऊपर संपूर्ण विश्वास की जरूरत। तो ये यहाँ पे एक अनपढ़ ब्राह्मण है जो कि तुरंत चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे ऐसे मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि आप वही श्री कृष्ण है जो अर्जुन जी को भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। आगे फिर इसमें बोला जाता है, कृष्ण स्फूर्ति तार मने हया छे निर्मल अतएव प्रभुर तत्व जानिला सकल। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे, कृष्ण कृष्ण की कृपा से उनका जो मन था पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था, और उसके कारण से वो समझ में उनको आ गया था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा अभी हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे। तबे महाप्रभु तारे करीला शिक्षण यही बात कहाना करीहा प्रकाशन। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि ये जो बात आपने समझ ली है कि मैं ही कृष्ण हूं, इसको और किसी को मत बताइएगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ये मतलब कंफर्म करते हैं कि आपने जो समझा है कि मैं ही कृष्ण हूं, ये आप सही समझे हो। तो हम लोग यहाँ पे अभी ये आसानी से समझ सकते हैं ये सुंदर से लीला से, और बहुत सारे हम लोगों ने प्रभुपाद जी के कोट्स देखे, अलग अलग आचार्यों के एग्जाम्पल देखे, कि अगर भगवत गीता को हमें समझना है, भगवत गीता का पठन करना है, चाहे हम लोग किसी भी क्रम में हो, हम लोग नए भक्त हो, हम लोग कुछ सालों से हैं, हम लोग बहुत सालों से हैं, हमने भगवत गीता एक बार भी नहीं पढ़ा है, भगवत गीता एक बार पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ के छोड़ दिया है, या पूरी भगवत गीता पढ़ ली है, हम जिस स्टेज में भी हो, हम जिस क्रम में भी हो, हमें ये समझना भी जरूरी है कि भगवत गीता को समझने की जो मेन योग्यता है वो है भगवान और गुरु के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा और उनके ऊपर संपूर्ण प्रेम। अगर ये दो चीज हम करते हैं, संपूर्ण श्रद्धा, उनके ऊपर प्रेम, उनके ऊपर कृतज्ञता, गुरु और भगवान के ऊपर कृतज्ञता और नम्रता की भाव होनी चाहिए, तब हम लोग आसानी से भगवत गीता का जो ज्ञान है वो समझ सकते हैं। मतलब भगवत गीता का ज्ञान समझने में भगवान मतलब भगवान हमें वो अंदर से प्रकाशित कर देंगे वो चीज। बस एक लास्ट लाइन इसमें मैं एक छोटा सा ये दो लाइन का एक कविता लिखा है जिससे हम इस मैसेज को कंक्लूड कर सकते हैं। भगवत प्रेम कृतज्ञता और नम्रता की हो भावना, भगवत प्रेम कृतज्ञता और नम्रता की हो भावना, तभी संभव होगा भगवत गीता को समझना, तभी संभव होगा भगवत गीता को समझना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।